Hello, so let's read this question. The question says that a camera fitted with a lens of focal length 50mm is being used to photograph a flower that is 5 cm in diameter. The flower is placed 20 cm in front of the camera lens. Here, three questions given. First question says that at what distance from the film should the lens be adjusted to obtain a sharp image of the flower second question says that what would be the diameter of the image of the flower on the film and third one what is the nature of the camera lens तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट राइट सो यहां पे हमें लिखना क्या है की कॉन्सेप्ट में यहां पे हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे पे. यहां पे लेंस फॉर्मूला यहां पे फॉर्मूला क्या होता है वन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू वेयर f क्या है हमारे पास फोकल लेंथ है और यहां पर v क्या है हमारे पास इमेज डिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और यू है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर राइट अब इसको हम यहां पे और सॉल्व करते हैं बट हमें यहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन का सो so, मैग्नीफिकेशन क्या होता है स्मॉल एम इज इक्वल्स टू वी बाय यू या फिर हाइट ऑफ इमेज इसे हम आई से लिखते हैं या फिर एच आई से लिखते हैं डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसे हम ओ से लिखते हैं राइट अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ए यहां लिखेंगे वी हैव यहां पर फोकल लेंथ कितना गिवन है हमारे पास 50 मिलीमीटर mm गिवन है हमारे पास राइट right? 50 मिलीमीटर की वन है और यहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है यहां पे राइट right? तो यहां पे u की जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस में होती है माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर मिलीमीटर बदलेंगे कितना है यहां पे माइनस टू हंड्रेड मिलीमीटर आ जाएगा क्योंकि हमें पता है कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टेन मिलीमीटर नाउ हम यहां पे यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला सो वन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू वैल्यू रखते हैं तो यहां पर वन बाई फिफ्टी दैट इज इक्वल्स टू यहां पे वन बाई वी माइनस यहां पे वन बाई माइनस टू हंड्रेड वन बाई फिफ्टी इज इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे वन बाई टू हंड्रेड आ जाएगा सो वन बाई वी इज इक्वल्स टू वन बाई फिफ्टी माइनस वन बाई टू हंड्रेड सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा वन बाई वी इज इक्वल्स टू फाइव फोर डेड ट्वेंटी फोर माइनस वन कितना होता है थ्री थ्री डिवाइड बाई टू हंड्रेड आ जाएगा हमारे पास राइट सो यहां से आप देखोगे कि जो वी की जो वैल्यू आई है कितनी आई है टू हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री ये किस में आएगा मिलीमीटर में आ जाएगा राइट इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू आएगा प्लस में 66.6 मिलीमीटर mm, या फिर दैट इज इक्वल्स टू 6.66 सेंटीमीटर आ जाएगा राइट सो so, यहां पे लिखेंगे क्या द फिल्म राइट right? यहां पे क्या लिखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है कि हमें बताना क्या था क्वेश्चन में एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फिल्म तो कितना डिस्टेंस हो गया यहां पे 66.6 मिलीमीटर या mm, फिर 6.66 सेंटीमीटर तो लिखेंगे द फिल्म शुड बी एट आर डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने दूरी पर रखना चाहिए यहां पे 66.6 मिलीमीटर mm या फिर 200 हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री मिलीमीटर तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का यहां पर लिखेंगे क्या पॉजिटिव जो है पॉजिटिव साइन जो है एम्प्लाइज दैट क्या बताता है हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन होने है कि इमेज दूसरे इंप्लाइज द इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द बिहाइंड द कैमरा लेंस क्वेश्चन का आंसर क्या देखते हैं यहां पे क्या होगा कहा जा रहा है कि वट वुड बी द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लावर ऑन द फिल्म हमें डायमीटर बताना है सो so, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हमें मैग्निफिकेशन पता है m इज इक्वल्स टू क्या होता है v बाई यू इज इक्वल्स टू आई बाई ओ राइट सो यहाँ पे हम क्या करेंगे हमें बताना क्या है हमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द फ्लावर ऑन द फिल्म तो यहां पे लिखते हैं क्या कि 66.6 होल डिवाइड बाय माइनस टू हंड्रेड दैट इज इक्वल्स टू यहां पे क्या आएगा यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास जो है हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर यानी कि हाइट है ऑब्जेक्ट का डायमीटर है इस केस में तो यहां कितना फाइव हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर हो जाएगा राइट कितना mm हो जाएगा, right? जाएगा मेरे पास फिफ्टी मिलीमीटर सो आई बाई फिफ्टी आ जाएगा यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम क्या लिखे थे टू हंड्रेड डिवाइड बाई माइनस टू हंड्रेड फिर मल्टीप्लाई बाई थ्री हो जाएगा दू आई बाई फिफ्टी टू हंड्रेड कैंसिले फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री सो आईज इक्वल्स टू आएगा माइनस सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फाइव मिलीमीटर या फिर इज इक्वल्स टू माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे यहां लिखेंगे द डायामीटर ऑफ द इमेज आई ऑफ द फ्लावर ऑन द फिल्म एस कितना आएगा हमारे पास 1.66 सेंटीमीटर आएगा यहां पे नेगेटिव में है राइट तो उस केस में यहां पे जो हाइट आया है या डायमीटर है वो नेगेटिव आया है तो नेचर क्या हो सकता है इसका ये नेचर जो होगा लेंस का क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस का होगा या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या कॉन्वेक्स तो यहां पे सी का आंसर क्या होगा द इसका आंसर यहां पे ये यह होगा राइट और यहां पर द नेचर ऑफ द लेंस इज कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स क्या होगा ये कन्वर्जिंग नेचर क्या होगा या फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा एज द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड देंस क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है बिहाइंड द लेंस हो रहा है इस केस में यहां पर क्या होगा ये कन्वर्जिंग नेचर क्या होगा हैंस द रिक्वायर्ड एंसर इज ऑप्टेन्ड और इसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड राइट सो ये क्या होगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया आई होप यू अंड्रेड वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू